चलिए कोरोना के डर को मिटाते हैं। मैं कुछ प्रश्न के उत्तर दूंगा। पहला क्वेश्चन, क्या कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है? उत्तर, नहीं। कोरोना वायरस एक निर्जीव कण है जिस पर चर्बी की सुरक्षा परत चढ़ी हुई होती है। यह कोई जिंदा चीज नहीं है, इसलिए इसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि यह खुद ही रेजा रेजा कण कण होकर खत्म हो जाता है। प्रश्न, कोरोना वायरस के विघटन रेजा रेजा कर होकर खत्म होने में कितना समय लगता है? उत्तर, कोरोना वायरस के विघटन मुद्दत का दारोमदार इसके आसपास कितनी गर्मी या नमी है, या जहां ये मौजूद है उस जगह परिस्थितियां क्या है, इत्यादि बातों पर निर्भर करता है। प्रश्न, इसे कणकण में कैसे विकसित किया जा सकता है? उत्तर, कोरोना वायरस बहुत कमजोर होता है, इसके ऊपर चढ़ी चर्बी की सुरक्षा परत फाड़ देने से यह खत्म हो जाता है। ऐसा करने के लिए साबुन या डिटर्जेंट के झाग सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं। 20 सेकंड या उससे अधिक ज़्यादा देर तक साबुन डिटर्जेंट लगातार हाथों को रगड़ने से इसकी सुरक्षा परत फट जाती है और यह नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने शरीर में खुले अंगों को बार बार साबुन व पानी से धोना चाहिए, खास तौर से उस वक्त जब आप बाहर से घर में आए हों। प्रश्न, क्या गर्म पानी के इस्तेमाल से इसे खत्म किया जा सकता है? उत्तर, हाँ, गर्मी चर्बी को जल्दी पिघला देती है। इसके लिए कम से कम 25 डिग्री गर्म गुनगुने से थोड़ा तेज पानी से शरीर के अंगों और कपड़ों को धोना चाहिए। छींकते या खांसते वक्त इस्तेमाल किए जाने वाले रुमाल को 25 डिग्री या इससे अधिक गर्म पानी से धोना चाहिए। गोश्त, चिकन या सब्जियों को भी पकाने से पहले 25 डिग्री तक के पानी में डालकर धोना चाहिए। प्रश्न, क्या अल्कोहल मिले पानी सैनिटाइजर से कोरोना वायरस की सुरक्षा परत को तोड़ा जा सकता है? हाँ, लेकिन उस सैनिटाइजर में अल्कोहल की मात्रा 65% से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी यह उस पर चढ़ी परत को पिघला सकता है, वरना नहीं। प्रश्न, क्या ब्लीचिंग केमिकल युक्त पानी से भी इसकी सुरक्षा परत तोड़ी जा सकती है? उत्तर, हाँ, लेकिन इसके लिए पानी में ब्लीच की मात्रा 20% होनी चाहिए। ब्लीच में मौजूद क्लोरीन व अन्य केमिकल कोरोना वायरस की सुरक्षा परत को तोड़ देते हैं। इस ब्लीचिंग युक्त पानी का उन सभी जगहों पर स्प्रे करना चाहिए जहाँ जहाँ हमारे हाथ लगे हैं। टीवी के रिमोट, लैपटॉप और मोबाइल फोन को भी ब्लीचिंग युक्त पानी में भिगोकर निचोड़े गए कपड़े से साफ करना चाहिए। क्या कीटाणुनाशक दवाओं के द्वारा कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है? उत्तर, नहीं। कीटाणु संजीव होते हैं, इसलिए उनको एंटीबायोटिक यानी कीटाणुनाशक दवाओं से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन वायरस निर्जीव करण होते हैं, इस पर एंटीबायोटिक दवाओं का कोई असर नहीं होता, यानी कोरोना वायरस को एंटीबायोटिक दवाओं से खत्म नहीं किया जा सकता। प्रश्न, कोरोना वायरस किस जगह पर कितनी देर तक बाकी रहता है? उत्तर, कपड़ों पर 3 घंटे तक, तांबे पर 4 घंटे तक, कार्डबोर्ड पर 24 घंटे तक, अन्य धातुओं पर 42 घंटे तक और प्लास्टिक पर 72 घंटे तक। इस समयावधि के बाद कोरोना वायरस खुद ब खुद विघटित हो जाता है, लेकिन इस समयावधि के दौरान किसी इंसान ने उस संक्रमित चीजों को हाथ लगाया और अपने हाथों को अच्छी तरह धोए बिना नाक, आँख या मुँह को छू लिया तो वायरस शरीर में दाखिल हो जाएगा और एक्टिव हो जाएगा। प्रश्न, क्या कोरोना वायरस हवा में मौजूद हो सकता है? अगर हाँ, तो ये कितनी देर तक विघटित हुए बिना रह सकता है? उत्तर, जिन चीज़ों का सवाल नंबर 8 में जिक्र किया गया है उनको हवा में हिलाने या झाड़ने से कोरोना वायरस हवा में फैल सकता है। कोरोना वायरस हवा में 3 घंटे तक रह सकता है, उसके बाद ये खुद ब खुद विघटित हो जाता है। प्रश्न, किस तरह का माहौल कोरोना वायरस के लिए फायदेमंद है और किस तरह के माहौल में वो जल्दी विघटित होता है? उत्तर, कोरोना वायरस कुदरती ठंड या एसी की ठंडक में मौजूद होता है। इसी तरह अंधेरे और नमी वाली जगह पर भी ये ज़्यादा देर तक बाकी रहता है, यानी इन जगहों पर ज़्यादा से देर तक विघटित नहीं होता। सुर्ख, गर्म और रोशनी वाले माहौल कोरोना वायरस को जल्दी ख़त्म करने में मददगार होते हैं, इसलिए जब तक इसका प्रकोप है तब तक एसी या एयर कूलर का इस्तेमाल न करें। प्रश्न, सूरज की तेज़ धूप का कोरोना वायरस पर क्या असर पड़ता है? उत्तर, सूरज की तेज धूप में मौजूद अल्ट्रावायलेट किरणें कोरोना वायरस को तेजी से विघटित कर देती हैं, यानी तोड़ देती हैं, क्योंकि सूरज की तेज धूप में उसकी सुरक्षा परत पिघल जाती है। इसलिए चेहरे पर लगाए जाने वाले फेस मास्क या रुमाल को अच्छे डिटर्जेंट से धोने के बाद तेज धूप में सुखाने के बाद दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रश्न, क्या हमारी चमड़ी त्वचा से कोरोना वायरस शरीर में जा सकता है? उत्तर, नहीं। तंदुरुस्त त्वचा से कोरोना संक्रमण नहीं हो सकता।
अगर त्वचा पर कहीं कट लगा हो या घाव है तो इसके संक्रमण की संभावना है। प्रश्न, क्या सिरका मिले पानी से कोरोना वायरस विघटित हो सकता है? नहीं, सिरका कोरोना वायरस की सुरक्षा परत को नहीं तोड़ सकता, इसलिए सिरका वाले पानी से हाथ मुंह धोने से कोई फायदा नहीं।